जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आइए बात करते हैं तुलसीदास जी की। आज अगर हम लोग श्री राम जी की बात कर रहे हैं तो कम नहीं ज़्यादा नहीं है तो राम जी की महिमा उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। तो काशी में एक जगह तुलसीदास जी रोज़ रामचरितमानस का पाठ करते थे। अच्छा, वो जगह थी 80 घाट। अब बहुत सारे भक्त आते थे, सुनते थे, वैसे ही चलता रहा। अच्छा, एक बार गोस्वामी जी प्रातः का नित्य कर्म करके आ रहे थे, तभी इनका मिलन हुआ एक प्रेत से। भूत प्रेत था। उसने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी से कहा कि आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपने जो बचे हुए जल से नित्य कर्म से मेरा सिंचन किया है, मैं तृप्त हो गया हूँ, अब कुछ देना चाहता हूँ। अब गोस्वामी जी बोले, भैया ऐसा है, हमारी तो एक ही है कामना, प्रभु श्री राम से हो जाए सामना, दर्शन अगर हो जाए तो बड़ा बढ़िया है, राम जी की कथा लिख दी, गा भी दी, पर साक्षात दर्शन नहीं हुआ अभी तक। उस प्रेत ने कहा, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो अब तक मुक्त न हो जाता, यहाँ प्रेत योनि में पड़ा हूँ, अब इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि आपको दर्शन करवा दूँ। तुलसीदास जी बोले कि हमें और कुछ चाहिए नहीं। तब प्रेत ने बोला, सुनिए महाराज, मैं दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ, चलिए वही बता दीजिए। आप जहाँ कथा कहते हैं बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं, लेकिन आपको तो ये मालूम नहीं, ज्ञात नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हनुमान जी रोज आते हैं सुनने। पूछे कहाँ बैठते हैं, क्या सबसे पीछे बैठते हैं कंबल ओढ़ करके, दीनहीन कोढ़ी के रूप में एक व्यक्ति बैठता है, जहाँ लोग अपना जूता चप्पल सब उतारते हैं बस वहीं बैठते हैं, और वहीं जा करके उनका आपको पैर पकड़ लेना है, और वही हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी इतना खुश हो गए, प्रसन्न हो गए एकदम, गए भैया कथा होता एकदम सिस्टम सेट हुआ, सब लोग बैठे, अपना कथा कहना शुरू कर दिए। उनकी नज़र बराबर उस व्यक्ति पे थी जो भी पीछे आके बैठेगा। जैसे ही आके बैठे हैं, गोस्वामी जी अपने आसन से कूद के एकदम दौड़ पड़े और जाकर चरण पकड़ लिए। कहे, प्रभु अब नहीं छोड़ूंगा। अब व्यक्ति बोला, अरे महाराज, आप व्यास पीठ पर हो, वेद व्यास पीठ पर हो, और आप मेरे चरण पकड़ रहे हो, मैं तो एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे ना तो कोई प्रणाम करता है, ना कोई स्पर्श करता है, आप व्यास पीठ छोड़ करके मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले, महाराज आप सबसे छुप सकते हैं, मुझसे नहीं छुप सकते हैं, अब ये पैर तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम जी से मिलवा नहीं देते। अब जैसे ऐसा कहे गोस्वामी जी, हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी कहे, प्रभु एक बार मिलवा दीजिए राम जी से, और कोई मेरी अभिलाषा नहीं है, एक बार साक्षात्कार करवा दीजिए। हनुमान जी से कहे कि अब आप नहीं मिलवाएंगे तो कौन मिलवाएगा। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी से ज़रूर मिलवाएंगे,
लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहीं मिलेंगे भगवान आपको। अब गोस्वामी जी पहुंच गए चित्रकूट, स्नान किया मंदाकिनी में, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई, अब घूम रहे हैं कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पे सवार दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण। गोस्वामी जी इधर से निकल रहे थे, उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता तो बता दो, भटक रहे हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी तो पागलों की तरह खोज रहे थे, राम जी कब मिलेंगे कब मिलेंगे। तभी हनुमान जी फिर प्रकट हुए, कहे अरे मिले नहीं। गोस्वामी जी बोले कहाँ मिले। हनुमान जी बोले अरे भाई तो मिले थे, घोड़े पे सवार राजकुमार थे, वही तो थे, आपसे ही तो रास्ता पूछे और कहते हो मिले नहीं, चूक गए। अच्छा, ये गलती हम सब करते हैं, न जाने कितनी बार भगवान सामने आते हैं और सामने आके रहते हैं और हम पहचान नहीं पाते। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते, न जाने किस रूप में आ जाएं। अब गोस्वामी जी हनुमान जी से कहते हैं आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाइए, फिर से मिलवाइए। हनुमान जी बोले थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक बार और मिलेंगे। अब गोस्वामी जी बैठे हैं, तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं, चंदन घिस रहे हैं और मगन होकर कीर्तन कर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही लगन है, कब आएंगे, एक बार कृपा करिए फिर से आइए। तभी जो है आ गए और कहे बाबा चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें लगा दीजिए। गोस्वामी जी कहे कोई बालक है, घिसते देखा है तो आ गया लगवाने। अब वो भी चंदन लगाने लगे, अब चंदन लगा दिए श्री राम को, और हनुमान जी महाराज समझ गए कि बाबा फिर चूके जा रहे हैं, आज इनके हाथ से इनको निकलने नहीं देंगे। और तुरंत वो उनके कान के पास आए और एक बात बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने बोला कि अब मत चूक जाना, जो चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं। जब ये वाणी उनके कान में पड़ी महाराज के, और तुरंत पैर पकड़े, तुरंत गिर गए, कहे प्रभु अब नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। बस वो झलक गोस्वामी जी को दिखाई दी, तुलसीदास जी को, और फिर अंतर ध्यान हो गए, वही बस गई उनकी आँखों में और हृदय तक उतर गई, उसको सजो लिए हूँ। अब कोई अभिलाषा नहीं है जीवन में, परम शांति प्राप्त हो गई, परम आनंद में आ गया तुलसीदास जी का जीवन। इसीलिए कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने सुना इस प्रसंग को, आगे भी साझा करिए, सभी सक्सेसफुल रहिए। धन्यवाद, जय श्री राम।